दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, जो दिवाली आने वाली है इसके लिए आपको अभी से शुभकामनाएं देता हूँ, कभी एंड तक बने रहिए वीडियो के साथ। ओके हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऑफिस। और मैं आज वापस आया अपने सबके फेवरेट आरिफ भाई के साथ परी एक्वेरियम में। तो आज का वीडियो होने वाला है प्राइसेस के ऊपर, जो नया स्टॉक आया है आरिफ भाई के पास परी एक्वेरियम में। तो आरिफ भाई जरा अपने व्यूअर्स को हाय बोल दीजिए और प्राइस के ऊपर स्टार्ट कर देंगे। सबका सबसे पहले वेलकम करूंगा, स्वागत करूंगा परी एक्वेरियम शॉप के अंदर आप लोगों का। और आप लोग को बताऊंगा कि आज का जो फिशेस है उन लोग का प्राइस बताऊंगा आप लोगों को। स्टार्ट टू एंड देखिए पूरा, तो प्राइसेस पता चलेगा आपको मेरे पास कौन सा स्टॉक आया क्या है, तो आप वो हिसाब से आप उसको परचेज कर सकते हैं। तो आरिफ भाई, अपन यहाँ पे सबसे पहली वैरायटी कवर कर रहे हैं ऑस्कर, तो इसमें कौन सी टाइप की ऑस्कर है जरा बताइए अपने। ये इसके अंदर सुपर रेड ऑस्कर, अल्बिनो टाइगर ऑस्कर और कॉपर ऑस्कर इसके अंदर, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे। तो आरिफ भाई कौन से ऑस्कर इसके अंदर अपने बताया? इसके अंदर कॉपर टाइगर और फायर। कॉपर टाइगर और फायर मतलब मिक्स वैरायटीज है। मिक्स वैरायटी। तो क्या प्राइस रेंज में इसका क्या प्राइस है? इसका प्राइस 300 रुपये पर पीस है, 600 अ पेयर है इसके अंदर। 300 फॉर अ पीस एंड 600 फॉर अ पेयर। तो आरिफ भाई, इसमें काफी लोग को सवाल था कि लोगों को लगता है रेड लाइट में ऐसी दिखती है, तो इसके वजह से वो ज्यादा प्रोमिनेंट रेड दिखते, तो ऐसा कुछ नहीं है, अपने को ओरिजिनल कलर दिखना है। तो एक बार लाइट चेंज करके व्हाइट लाइट में दिखाइए कि ये ओरिजिनल कलर है। मैं आप लोग को बता देता हूँ, काफी लोग का है ये बोलना कि लाइट मैंने ऑफ कर दिया अभी। ओके, अब मैं लाइट चालू करता हूँ, सेकेंड लाइट चेंज करता हूँ, ये बंद कर दिया फिर से। यहाँ पे आरिफ भाई ने व्हाइट लाइट यहाँ पे लगा दिया, देख सकते हैं आप कितना रेड कलर है, कलरेशन आप देख सकते हैं, नेचुरल रेड कलर है आरिफ भाई। हाँ, ये जो है क्वालिटी अच्छा ही है। और ये ओला ऑस्कर, इसके अलावा दूसरा ऑस्कर है उसके अंदर आपको डिफरेंट पता चलेगा, वो ऑस्कर के अंदर, ये ऑस्कर के अंदर डिफरेंट है। काफ़ी लोगों का बोलना होता है कि ऑस्कर जो है ये काफ़ी कॉस्टली है, ये ऐसा है वैसा है, तो ये ऑस्कर सच में थोड़ा महंगा आता है, खरीदी परचेसिंग महंगा है, ये क्वालिटी में डिफरेंट है। इसका क्वालिटी अच्छा है, इसके अंदर जो कॉपर है ये मतलब जैसे कि लोकल जो ऑस्कर होते हैं, जैसे कि जिनमें पैटर्न नहीं होता है, डिज़ाइन नहीं होती, ब्यूटी नहीं होती, तो वो थोड़े सस्ते मिलते हैं। और इनका थोड़ा सा प्राइस थोड़ा अच्छा है, ये अभी फिलहाल व्हाइट लाइट में आप देख सकते हैं, आप ऊपर व्हाइट लाइट लगा चुका और यहाँ पे देख सकते हैं आप काफी एक्टिव है, रिस्पॉन्सिव है, देखो कैसे मतलब मूव करे, फास्ट मूविंग फिशेज है। तो इसके अलावा यहाँ पे मैं चीप आपको निकाल के बता देता हूँ, काफी लोग का है बोलना कि भाई प्रॉब्लम है, तो मैं बता देता हूँ ऑस्कर का। ओके, ये ऑस्कर है, छोड़ देते हैं उसको आरिफ भाई। तो यहाँ पे कलर दिखाने के लिए आरिफ भाई ने बाहर निकाल के उसको दिखाया, तो आप देखिए उसका कैसा नेचुरल कलर है, तो इसमें कोई है नहीं कि लाइट के वजह से दिख रहा है, तो ये नेचुरल है, इसके लिए उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। तो इसके अंदर आपको आ जाएगा अल्बिनो टाइगर है, मोज़ेक ऑस्कर है यहाँ पे, मोज़ेक ऑस्कर मीन्स होता है जिसके बॉडी पे हल्का हल्का डॉट्स होता है, तो उसको मोज़ेक ऑस्कर बोलते हैं, मैप ऑस्कर बोलता है, तो अलग अलग टाइप्स है इसके अंदर। इसके अंदर कॉपर है, नॉर्मल टाइगर है, सारा ऑस्कर है। तो ये लेके तो आपको 175 पर पीस पड़ेगा, 175 रुपये पर पीस से। तो ये 175 मतलब 350 का एक पैर आता है। ओके, इसके अलावा इसके अंदर मोज़ेक ऑस्कर है, फायर रेड ऑस्कर है इसके अंदर, और टाइगर ऑस्कर है, यहाँ पे तीन टाइप का ऑस्कर इसके अंदर मिक्स में, तो आपको 450 का पैर आएगा बड़ा साइज का। तो अभी फिलहाल तो दिवाली के हिसाब से थोड़ा सा रेट कम कर दिया है, और ऑस्कर तो काफ़ी ब्यूटीफुल होते हैं हमारे शॉप में, और काफ़ी लोगों को पता है, काफ़ी लोग आते हैं ऑस्कर वगैरह खरीदने के लिए, तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन मैं रखता हूँ थोड़ा सा। काफ़ी लोगों की ये भी है प्रॉब्लम्स के बोले भाई तुम्हारा रेट थोड़ा सा हाई होता है, तो अदर शॉप में थोड़ा सा कम होता है, तो इसके अंदर बता देता हूँ, इसके अंदर कैटेगरीज होती है मच्छी के अंदर, मैंने हर वीडियोस में बोला हूँ मच्छी के अंदर कैटेगरीज होती है, जैसे कि एग्जांपल थोड़ी सी नॉर्मल आती है, फिर उससे अच्छी आती है, फिर उससे अच्छी आती है, टाइप्स होते हैं उसके अंदर फिशेज के, तो वो हिसाब से इसका प्राइस लगता है। तो ये टाइप्स से पड़ेगा इसके अंदर है, यहाँ पे स्क्रिबल है, मेलन है, रफ्लेशिया है यहाँ पे, और यहाँ पे टर्कवाइज है, यहाँ पे स्पॉटेड लेपर्ड है, यहाँ पे मेलन है, और स्पॉटेड चेकर बोर्ड है पीछे बाजू, वहाँ पे रेड कवर है इसके अंदर, ये मिक्स लॉट है, तो इसके अंदर आपको 600 पर पीस पड़ेगा। 600 पर पीस है, काफ़ी अच्छा स्टॉक है। क्या साइज़ आ रही है भाई इसकी? 2 से 2.5 इंच का साइज़ है इसका। तो और वैराइटीज़ है डिस्कस में? डिस्कस में और वैराइटीज़, थोड़ा बड़ा साइज़ का भी मैं आप लोग को बता देता हूँ, प्राइस बता देता हूँ आपको, 900 ईच में येलो डायमंड है, यहाँ पे बड़े वाले जो पीसेस है 1200-1250 रुपये पर पीस है इसमें। स्नो वाइट लेंगे आपको 1800 का पैर है, स्नो वाइट साइज इसका छोटा है, तो यहाँ पे, और यहाँ पे मिक्स लॉट है थोड़ा सा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग के प्राइस, ये देखिए पीसेस थोड़ा बड़ा छोटा साइज, तो बड़े साइज में थोड़े से, और बुलडॉग जिसे बोलते हैं वो वाली वैरायटी के, बुलडॉग्स मीन जो होता है कि जिनके फिन बड़े होते हैं, जैसे कि इस टाइप के ऊपर के देख रही है राउंड, ये फिन बड़े होते हैं इन लोग के,
ये भी, इसको भी स्पॉटेड लेपर्ड बोलते हैं काफ़ी लोग को, बहुत सारे लोग अलग अलग नाम देते हैं, कोई टर्कवाइज बोलता है तो कोई इरप्शंस बोलता है तो कोई क्या बोलता है, डिस्कस में थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज हो जाता है तो नाम चेंज हो जाते हैं, तो काफ़ी लोगों के अलग अलग नाम होते हैं। तो सेकेंड टीम में यहाँ पे एक आरटीजी है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अंदर भी चीप वाली है क्या आरिफ भाई? हाँ ये चीप वाली है, ये आरटीजी, ये आपको 8000 में आएगी, 8000। और यहाँ पे डिस्कस है, ये 1800 एंड 2500 रुपये पैर वाले और 1800 रुपये पैर वाले, इसके 2500 और 1800 रुपये वाले। इसके अलावा डिस्कस के और एक वैरायटी आपके पास है, दिवाली के ऑफर की वजह से 1500 रुपये पर पीस में निकाल रहा हूँ, अच्छा साइज़ है, मैं इसको वाइट आपको लाइट में चेंज करके, हाँ अरे भाई वाइट ज़रा चेंज करके भी दिखाइए। हाँ ये वाइट लाइट में अभी देख रहे हैं फिश कैसा नेचुरल कलर इसका, ये वाइट लाइट में लगाया हुआ मैंने, आप देख सकते वीडियो के ऊपर भी देखो, थोड़ा सा लाइट के ऊपर मेरे कॉन्सेंट्रेट करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे, ये है मेरे पास वैरायटी जो 1500 रुपये पर पीस से निकाल रहा हूँ, 4 इंच का साइज है इन लोग का, बिगर साइज है यहाँ पे, ये जो है वाइट फेस मेलन बोलते हैं इसको, मैंडिंग में बोला जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं लाइन में जो है मैप भी बोला जाता है इसको, यहाँ पे जो बॉक्स बने हुए इसको चेकर बोर्ड बोला जाता है, जो हाफ थोड़ा सा पैटर्न होता है थोड़ा सा प्लेन होता है उसको रफलेशिया बोला जाता है, यहाँ पे ये सब टाइप को रफलेशिया चेकर बोर्ड बोला जाता है, और पीछे जो ब्लू में जो है यहाँ पे ये वाला प्लेन ब्लू, तो इसको ब्लू डायमंड बोला जाता है, तो ये सब आपको 1500 रुपये पर पीस में मिलेगा, ये आज का रेट है दिवाली की वजह से, तो कोई भी लो 1500 रुपये पर पीस, बिगर साइज़ है 4 इंच का साइज़ है, अगर आप इसको ब्रीडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, यंग पीस है ये, आप इसको ब्रीडिंग के अगर आपको ब्रीडिंग करना है तो आपको 10 या 12 पीस लेके भी आप इसको स्टॉक में रख के पेयरिंग लगा सकते हैं इसके अंदर। ओके पैरेट हाँ बड़े साइज़ का पैरेट है, 4 इंच का साइज़ है इन लोग का, येलो का साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है जो नॉर्मल पैरेट के मुकाबले में, जैसे कि जो राउंड में होते हैं वो राउंड वाले पैरेट में 6 से 7 इंच के जाते हैं, और ये वाला पैरेट जो है ये वाला थोड़ा बड़ा साइज जाता है, मतलब 10 इंच तक का जाता है, तो ये पैरेट आपको पड़ जाएगा 400 इंच में। ओके और इसके बाजू में यहाँ पे जो है रेड पैरेट, ये वाले जो वैरायटी है ये वाले आपको पड़ जाएंगे 600 पेयर, और ये येलो वाला जो है बड़ा साइज़ का ये वाले आपको पड़ जाएंगे 700 पेयर में। ओके इसके अलावा यहाँ पे पिराना है, यहाँ पे एल्बिनो पिराना, ये आपको 175 पर पीस पड़ेगा, 175 काफ़ी एक्टिव फिशेज है आरिफ भाई एकदम, ये अल्बिनो पिराना से रहते हैं साथ में पैरेट के, अरवाना के साथ में रहते हैं। और यहाँ पे एक और मैं देख रहा हूँ एक चिकलेट फिश, एक चिकलेट से सिंगल इलेक्ट्रिक ब्लू है ये, तो ये मैंने रखा हुआ यहाँ पे, वो भी बेचने के लिए सेलिंग के लिए, क्या प्राइस है उसका? 200 फॉर अ पीस। यहाँ छः पैरेट है, इन लोग का टेल लेस होता है, तो इसके अलावा यहाँ पे सेकंड वैरायटी मेरे पास मोनो एंजल है, यहाँ पे मोनो एंजल देख सकते हैं आप, क्या साइज़ आ रही है भाई ये मोनो एंजल की? ये मोनो एंजल रहेगा 2.5 इंच का साइज़ है, 2.5 इंच का साइज़, 2.5 इंच का 150 इंच में आएगा ये वाला, 300 फॉर अ पैर, 300 फॉर सेकेंड में। यहाँ पर वरंडाज है, वरंडा रहते हैं कैलिकोस मिक्स में सब वैरायटी यहाँ पे, तो ये आपको पड़ जाएगा 175 पर पीस में, 350 फॉर अ पैर, 350 350 रुपये छोड़ी। ओके इसके अलावा यहाँ पे सेकंड में यहाँ पे एंजल बड़े साइज के एंजल है, इसके एंजल यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ देखिए एंजल, ये आपको 150 पर पीस पड़ेगा, 150 रुपये पर पीस, 300 रुपये जोड़ी में पड़ेगा, 300 फॉर अ पेयर और 150 फॉर अ पीस। तो आरिफ भाई इसके अंदर काफ़ी सारी मिक्स्ड वैरायटी की फिशेज है, तो एक एक करके बताइए इसके अंदर कौन सी फिश है, तो पहले देखते ये वाली फिश है कौन सी। इसके अंदर अल्बिनो कौरी, ग्रीन कौरी, सियामी सल्गीटर और नियोन गुरामी से यहाँ पे, और क्लाउन लोचेस से इसके अंदर, तो आप लोग को प्राइस बता देता हूँ, अल्बिनो कौरी जो है 100 रुपीज़ का पैर है, और ग्रीन कौरी 150 का पैर है, और इसके अंदर का जो ब्लू ग्रामी 250 पैर है, ये ब्लू ग्रामी, इसके अलावा यहाँ पे जो क्लाउन लोचेस है थोड़े तो सड़मे हुए रहते हैं पीछे की तरफ, क्लाउन लोचेस भी, क्लाउन लोचेस आपको 500 पैर है, 500 फॉर अ पैर, या 250 इंच है। काफ़ी आ रही भाई इसका रेट उतरा है, कार्डिनल का बहुत बढ़ गया था बीच में, तो क्या वो प्राइसेस इसका भी पता था कि ऊपर नीचे होते रहता है? एक्चुअल अप डाउन होते रहता है, माल का जो है क्वांटिटी अगर ज़्यादा है, अगर सीजन है माल मिल रहा है तो उसका प्राइस कम हो जाता है, माल मिलना थोड़ा सा बंद हो जाता है कम हो जाता है तो थोड़ा सा प्राइस बढ़ जाता है, काफ़ी लोगों को पता होगा कि सीजनल होता है कोई मच्छी, तो वो हिसाब से प्राइसेस अप डाउन होते रहते हैं। ओके तो 450 फॉर अ डजन, एकदम अलग सी वैरायटी है, मैंने भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, कौन सी वैरायटी क्या कौन सा टाइप है ज़रा बताएं अपने व्यूवर्स को।
एक्चुअल भाई ये काफ़ी लोगों के जो टैंक के अंदर, जैसे कि एग्जांपल स्नेल वगैरह हो जाता है प्लांटेड टैंक के अंदर, तो ये स्नेल खाने के लिए पफर है, ये स्मॉल साइज़ का पफर है ये, तो अगर आप लेंगे तो इसको 100 रुपीज़ पैर में पड़ेगा, और डजन में लेंगे तो 600 रुपीज़ डजन में आएगा। 600 फॉर डजन, तो ये वो पफर है कि जो बड़ा पफर होता है? नहीं, वो पफर अलग होता है और ये पफर अलग है, ये प्लांटेड में रहता है पफर, आप इसके साथ में टेट्रास वगैरह रख सकते हो, ये टेट्रास को मारता नहीं है ये पफर। अच्छा, तो ये मारेगा नहीं, शांत फिश है। और कितना बड़ा आरिफ भाई, कितना बड़ा होता है ये पफर? ये पफर का साइज भाई इतना ही रहता है, थोड़ा 19-20 बड़ी आता है, बट इससे बड़ा नहीं होता है, और ये काफी मच्छियों को प्रॉब्लम नहीं करता है, और स्नेल वगैरह होने से टैंक को बचाता है ये। अच्छा, काफी खाता है, काफी अच्छा भी दिख रहा है। तो आरिफ भाई, क्या कितने बड़े होंगे और क्या फीड लेते हैं ये भाई? इसको आप नॉर्मल में अपना बारीक में फूड डाल सकते हो, जैसे एग्जांपल आप टेट्रा वाइज बारीक क्रश करके डाल सकते हो इसको, या फिर आप फ्लेक्स वगैरह डाल सकते हो, आप जो भी टेट्रा को फूड डालते हो खा लेते हैं। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक अलग फीड नहीं, जो नॉर्मल टेट्रा के लिए डालते हो? ओके, तो ये 100 रुपीज़ फॉर अ पैर है और 600 फॉर अ डजन। ओके, तो 500 फॉर अ पैर एंड 250 फॉर अ पीस, बोस्मानिया रेनबो। ओके, तो इसका प्राइस है, ये अच्छा साइज है, मिनिमम 2 इंच का साइज का फीमेल है, तो आपको 250 पर पीस में मिलेगा, 250 रुपये पर पीस, 1800 पर पीस में। तो ये फर्स्ट टैंक में देखते हैं अपन, ये वाले फ्लावरेंस का क्या प्राइस है? फ्लावर ये फर्स्ट वाला जो है ये आपको आ जाएगा 1600 रुपये पर पीस में, 1600 फॉर अ पीस, और इसके बाद वाला यहाँ पे 1800 रुपये पर पीस है, 1800, काफ़ी बड़ा हेड है उसका। यहाँ पे सेकेंड वाला है शॉर्ट बॉडी में है, शॉर्ट बॉडी में, हाँ ये वाला आपको 1700 रुपये पर पीस पड़ेगा, 1700 में। ओके, तो ये 500 फॉर अ पीस है। ये वाली कौन सी है? ये वाला मेरे पास केमल बोलते हैं इसको, यहाँ पे इसको बहुत से लोग नाम देते हैं अलग अलग टाइप के, ये भी फ्लावर है, 1500 रुपये पर पीस में फ्लावर आएगा, तो 1500 फॉर अ पीस है ये वाला। इसके बाद में एल्बिनो फ्लावर है भाई, और ये मॉन्स्टर कॉक वाला, ये कितने? फेडर, इसको फेडर फ्लावर बोलते हैं, ये भी आपको 1500 रुपये पर पीस में आएगा, 1500 रुपये पर पीस में। और ये वाला वो था ऐसे ही 1000 रुपीज़ ही, 1000 रुपीज़ फॉर अ पीस। ओके, अलग है, तो कौन सा फ्लावर है ये ज़रा बताइए? ये एक्चुअल फेडर फ्लावर इसको बोला जाता है, ये जो होते हैं अल्बिनो में भी आते हैं ये, तो जैसे जैसे इसका कलर वाइट होगा तो अल्बिनो बन जाएगी, तो ये तो वाइट कलर का फ्लावर होगा ये, तो ये आपको 500 रुपीज़ में आएगा, और बाजू में जो पीछे बाजू जो शॉर्ट बॉडीज है यहाँ पे, ये शॉर्ट बॉडी आपको 500 पर पीस में पड़ेगा, इन लोग को भी हेड आपने ये स्पॉटेड होते हैं लोग के, और अच्छा बड़ा साइज होता है, मिनिमम एक हाथ के पंजे कितना है उसका साइज होता है, तो ये सब 500 फॉर अ पीस है। तो आरिफ भाई, यहाँ पे एक और छोटे साइज में मैं देख रहा हूँ मोनो एंजल, तो ये क्या प्राइस में है और कौन सी साइज है इसकी? मोनो एंजल का ये 2 इंच का साइज है लुक का, छोटा वाला, हाँ 2 से 1.5 इंच का साइज है लुक का, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये डजन में लेंगे तो 600 डजन है, अगर पैर में लेंगे तो 150 पैर है, 150 फॉर अ पैर, यस 600 डजन, 600 डजन। और यहाँ पे काफ़ी सारी मिक्स्ड वैरायटीज ऑफ टेट्रास है, तो आरिफ भाई इसमें ज़रा बता दीजिए एक एक करके कौन सी टेट्रास और क्या है? इसके अंदर बिगर साइज में चेरी बॉब्स है, और इसके अंदर हॉकी है जो ब्रीडिंग स्टॉक है, यहाँ पे फुल साइज है लोग का, और ये जो कलर है लोग के रेडिश कलर है, ये जब फुल एज में आते हैं तो इसके अंदर कलर लोग का डिफरेंट होता है, आपको बता देता हूँ मैं इन लोग का रेट बता रहा हूँ, 600 रुपये डजन पड़ेगा आपको हॉकी टेट्रा, 700 डजन पड़ेगा आपको चेरी बॉब टेट्रा। ओके, इसके अलावा यहाँ पे ज़ेब्रा डेंगो है, सेकेंड वैरायटी है जो ग्रीन कलर की, ये वाला 350 पर डजन मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे अल्बिनो क्रिस्टेला है, अल्बिनो क्रिस्टेला आपको 300 रुपये डजन में मिलेगा, ये अल्बिनो क्रिस्टल है, ये जो वाइट कलर का जो ट्रांसपेरेंट होता है वो थोड़ा हल्का सा, तो वो अल्बिनो क्रिस्टेला बोलते हैं। ओके, तो मतलब एक क्या रेंज जरा बता दीजिए इसमें, कौन क्या रेंज से स्टार्ट होता है टेट्रास का? स्टार्टिंग इसके अंदर 300 रुपये से लेके यहाँ पे 700 रुपये डजन तक के है। ओके, 300 से लेके 700 तक डजन। ग्रीन कॉरी भी बोलते हैं क्या इसको? नहीं, ये हाइफिन है, ग्रीन हाइफिन जो हल्का सा आगे सिर्फ ग्रीन होता है वो हल्का होता है। इसके अंदर जूरी कॉरी है यहाँ पे, इसके अंदर स्टर्बी है। ये कौन सा कॉरी है? ये जूरी कॉरी है, जूरी कॉरी, और स्टर्बी कौन सा है? स्टर्बी जो पूरा प्लेन होता है यहाँ पे, ये स्टर्बी। अच्छा, इसके ऊपर डॉट होता है, काफ़ी लोग को डिफरेंट पता नहीं रहेगा, ये रहा यहाँ पर डॉट, ये जूरी है, और यहाँ पे जो पूरा आगे से पीछे तक जो होता है ये स्टर्बी है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस के लिए नाम अलग है, नाम चेंज हो जाता है थोड़ा सा, मच्छी के अंदर डिस्कस के अंदर जरा पैटर्न चेंज हो गया तो नाम, फ्लोरन के अंदर डिज़ाइन चेंज हो गया तो फ्लोरन चेंज हो जाते हैं, कॉम्फर बन जाते हैं, केएमएल बन जाते हैं, अलग अलग नाम हो जाते हैं, तो उस टाइप से मच्छी के अंदर डिज़ाइन चेंज तो नाम चेंज हो जाता है। ओके, तो न्यू डेटर आपको आ जाएगा 250 डजन,
और आपको जीरी कॉरी लेके 300 डजन है और स्टर्वी लेके 400 डजन है, सॉरी 300 फॉर अ पैर, 300 फॉर पैर है, और ये वाला लेके आपको स्टर्वी लेंगे 400 अ पैर है, स्टर्वी लेंगे तो 400 पैर, स्टर्वी एक्चुअली थोड़ा कॉस्टली होता है, दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है बड़ा होने के बाद। कौन सी अरवाना है और क्या साइज़ है ये? सिल्वर अरवाना है तो आपको लेके तो 600 पर पीस पड़ेगा, 600 फॉर अ पीस। और क्या साइज़ है इसकी? ये 4 से 5 इंच का साइज़ है, मतलब जो छोटे साइज में सब लेना पसंद करते हैं तो ये स्टार्टिंग के लिए इट्स ओके। आप छोटा अरवाना कम बजट में आप लेके स्टार्टिंग में इसको 2 फुट के टाकी में या 1.5 फुट के टाकी में आप इसको थोड़ा सा ग्रोथ करने के बाद आप उसको दूसरे बड़े टैंक में ले सकते हो, तो ये 600 फॉर अ पीस है। तो अरे भाई इसके अंदर कौन सी फिशेज है? इसके अंदर 3 टाइप की टेट्रास है, हॉकी टेट्रा है, ब्लैक फैंटम है और रमिनोज है। ओके, जो बॉटम में जो है जिसका चूस लाल है वाला रमिनोज है, यहाँ पे नीचे जो नीचे की तरफ है छोटी साइज में। ओके, रमिनोज आपको पड़ेगा 454 डजन, ब्लैक फैंटम लेंगे 250 डजन, हॉकी टेट्रा लेंगे 250 डजन। ओके, इसके अलावा यहाँ पे साइड में टैंक है मेरे पास जिसका डॉलर बोला जाता है इसको, सिल्वर डॉलर। ओके, तो ये आपको 354 डजन मिलेगा क्योंकि अभी सीजन है, थोड़ा सा माल नहीं आ रहा है, 350 रुपये डजन पेरिंग मिलेंगे तो 80 रुपीज़ से पैर है। इसके अलावा यहाँ पे टर्टल्स भी आए, यहाँ पे अभी इसका प्राइस काफ़ी कॉस्टली है तो मैं इसका प्राइस अभी नहीं बताऊँगा, अगर आपको चाहिए तो अगर आपको रेडियोहेड स्लाइडर का अगर प्राइस चाहिए तो आरिफ भाई को कांटेक्ट करो, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है आरिफ भाई का, तो जिसको भी चाहिए आरिफ भाई से कांटेक्ट करें और प्राइस इसके मिल जाएगा आपको। आरिफ भाई के पास स्टॉक है काफ़ी बड़ा हुआ, तो जिसको चाहिए तो कांटेक्ट करें आरिफ भाई को। तो आरिफ भाई ये टैंक के अंदर मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे मिक्स वैरायटी ऑफ सिकलेट्स है, तो कौन सी सिकलेट्स है और क्या साइज़ और क्या प्राइस है इसका? ये 2 इंच के साइज़ का चिचिल है यहाँ पे, तो इसके अंदर बनाना है, फाइव कलर है, ब्लू कोडांगो है, और यहाँ पे ग्रीन कलर का चिकलेट्स है, रेड कोडांगो है, यहाँ पे मिक्स में वैरायटी है, वाइट मॉक यहाँ पे है, तो ये सब वैरायटी आपको 75 फॉर पीस पड़ेगा पैर में, लेके तो 200 का पैर है इसका, 200 फॉर अ पैर है, 200 पर पैर है, और डजन में लेंगे तो आपको 75 पर पीस के हिसाब से आएगा। तो अभी नेक्स्ट टैंक पे जाते हैं, तो आरिफ भाई ये टैंक के अंदर कौन से फिश है? जिसके अंदर एक प्लेटिस की वैरायटी है जिसके फिन हाई होते हैं काफ़ी, ये थोड़ा अच्छी क्वालिटी की हाई फिन प्लेटी बोल सकते हैं इसको, हाँ इसको हाई फिन प्लेटी सनसेट प्लेटी बोल सकते हैं इसको, तो ये 2 कलर के टाइप में है मेरे पास यहाँ पे, तो आपको इसका 75 पर पीस पड़ेगा, थोड़ा सा ये रेयर वैरायटी थोड़ी महंगी मिलती है, तो ये हिसाब से 75 पर पीस। और ये इसके अंदर सिल्वर शार्क भी दिखे, शार्क है 150 अ पैर है इसके अंदर, 150 फॉर अ पैर। और नीचे यहाँ पे देख रहे हैं ब्लैक गोश भी दिख रहे हैं आरिफ भाई, ब्लैक गोश 250 फॉर पैर है, 250 फॉर अ पैर। और ये प्लांट की एक वैरायटी है, तो ये कौन सा प्लांट है? ये प्लांट जो है इसको मार्बल प्लांट बोलते हैं, ये जो वाइट और ग्रीन कलर के टाइप में प्लांट होता है, इसके अंदर वाइट कलर का एक शेड होता है, तो ये वाला बंच में लेके तो 200 का बंच है, तो ये बंच पूरा 200 का आ जाएगा। इसके अंदर का एक बंच है, इसमें 2 से 3 बंच लगाए, ये 3 बंच का बना हुआ है, तो ये एक पत्थर में बांध के स्कॉटेज किया हुआ है यहाँ पे नीचे और वुड पे, तो ये आपको 1 बंच 200 का, एक बंच 200 का है, तो इसको सॉइल वगैरह CO2 वगैरह लगता है? विदाउट सॉइल, और लाइट पावरफुल चाहिए वाइट में, और आपको लिक्विड फर्टिलाइजर यूज करना, लिक्विड फर्टिलाइजर यूज करना पड़ेगा और पावरफुल लाइट। और पीछे भी प्लांट की वैरायटी वो कौन सी है? ये फन की वैरायटी है, जावा फन नहीं, जावा फन नहीं है, इसको बोलते हैं विंडो फन बोलते हैं इसको, ये यहाँ पे, तो ये वैरायटी फन की है, तो ये आपको 254 पार्ट मिलेगा, या आपको आप इसको 3 फुट पे या पत्थर वगैरह पे भी इसको बांध सकते हो, हैंग कर सकते हो या फिर चिपका सकते हो, तो ये 254 पॉट है। ओके, तो आरिफ भाई इसके अंदर कौन सी टाइप की फिश है? ये ग्लोविंग टेट्रास है, विडो ही है, तो ये 3 टाइप के कलर है मेरे पास, येलो, ग्रीन और पिंक कलर के, तो इसका जो डजन आपको 450 डजन पड़ेगा पैर लेके, तो 100 रुपीज़ का पैर पड़ेगा। ओके, 50 रुपये पीस से आपको, मतलब पर पीस पड़ेगा 100 रुपीज़ पैर मिलेगा इसके अंदर। तो ये आपको बता देता हूँ, ये पूरा जो है नेचुरल कलर है इसका, आर्टिफिशियल नहीं है, तो काफ़ी लोग थोड़ा सा प्राइस कम करके देते हैं, तो उसके अंदर जो वाइट कलर के फ्यूडोज वगैरह ऐड करके देते हैं तो थोड़ा सा वो सस्ता पड़ता है, तो उसके अंदर ऐड करके देते तो वो थोड़ा सा ऑड हो जाता है, तो वो हिसाब से इसके अंदर ये नेचुरल कलर है सब मिक्स, इसके अंदर कोई भी नहीं है, तो इसका प्राइस 450 डजन है, 450 फॉर अ डजन एंड 100 फॉर अ पैर। काफ़ी लोग जो छोटी छोटी मॉली लेते हैं तो आपको 150, 100, 120 डजन में भी मिलते हैं, ये थोड़ा एडल्ट साइज़ है और क्वालिटी अच्छा है, ये सब हेल्थी फिशेस है, तो यहाँ पे आपको 250 डजन पड़ेगा, 250 फॉर अ डजन। इसका 2.5 से 3 इंच का साइज़ है गोल्ड का ये वाला, तो ये आपको 80 रुपीज़ अ पेयर, मतलब 40 रुपीज़ इंच में पड़ेगा ये, 80 रुपीज़ अ पेयर,
तो ये 80 रुपीस फॉर अ पेयर है। इसके अलावा यहाँ पे सेकंड हैंड बाजू में यहाँ पे आपको कोई मिलेगी, कोई है मल्टी कलर में है वैरायटी से, आपको 40 रुपीस इंच में 80 रुपीस का पेयर मिलेगा। यहाँ पे लोग का साइज भी नहीं है, 3.5 इंच का साइज है लोग का। तो ये 40 क्या डजन बोला आपने? 40 रुपीस ही चाहिए, 40 रुपीस ही, 80 फॉर अ पेयर। अरे भाई एक और वैरायटी के कोईज और थोड़ी शार्क फिशेस भी इसके अंदर, तो ये क्या प्राइस की है? इसके अंदर अल्बिनो शार्क है जो 5 इंच का साइज है अल्बिनो, और उसके अंदर ब्लैक भी पड़े हुए हैं थोड़े से, और ये बड़े साइज के जो दो ब्लैक है और कोई है इसके अंदर, बड़ा साइज का कोई है मतलब 6 इंच 7 इंच का साइज है। तो आपको बता दूँ 700 पैर है इसका, 200 पैर है कोई शार्क का, और जो बड़े वाले जो शार्क है जो बिगर साइज के, ये आपको 800 रुपीज़ पैर में आएगा 400 इंच में। ओके, एक और साइज की शार्क फिश है, तो ये कौन सी साइज की है? ब्लैक एंड वाइट शार्क है, मिनिमम 4 इंच का साइज है लोग का, तो बताया था इसका आपको ब्लैक वाला 60 रुपीज़ का पैर है और वाइट वाला 80 रुपीज़ का पैर है। 60 और 80 रुपीज़। और नेक्स्ट टैंक में यहाँ पे पाकू पिराना है, पिराना से 75 पीस और 150 फॉर अ पैर। और यहाँ पे फीमेल बेटास भी है थोड़ी सर, अच्छा फ्लावर ऑन भी है, एक शॉर्ट बॉडी, शॉर्ट बॉडी फ्लावर ऑन है यहाँ पे, तो ये आपको 500 रुपीज़ आता है सिंगल इंच, 500 फॉर अ पीस। और इसके अंदर फीमेल बेटास है थोड़ी, फीमेल मोन्टेल की फीमेल से आपको ये वाली आ जाएगी 100 रुपीज़ इंच में आएगी, तो 100 रुपीज़ फॉर अ पीस आएगा ये। तो आरिफ भाई ये टैंक के अंदर मैं देख रहा हूँ काफ़ी बड़े साइज की भी फिशेज हैं, कौन सी अरवाना देख रहे हो और कौन सी फिश है इसके अंदर? यहाँ पे अरवाना और डोराडो, मतलब जो डोराडो नाम इसका सेंटर देख रहे हो, और इसका सिल्वर मोलेट है, ये इंडियन अरवाना है और वो बाहर का अरवाना है, सिल्वर मोलेट। हाँ सिल्वर मोलेट, और उसके अंदर यहाँ पे बालाशाह के 2 पीस बड़े साइज के आपको पड़ जाएंगे 800 रुपीज़ का पेयर। ये वाला बड़ा अरवाना जो है आपको 2000 पीस आएगा, बिगर साइज के 2 पीस है इसमें 2000 पीस आएंगे। इसके अलावा ये वाला लेगा आपको 300 का पेयर आएगा। तो सिल्वर मॉलेट है 300 फॉर अ पेयर, बाला शार्क जो है वो है 800 फॉर अ पेयर, और एक बड़े साइज का अरवाना जो देख रहे हैं वो 2000 रुपीज़ फॉर अ पीस है। इसकी वैरायटी है थाईलैंड ग्लास कैटफिश के अंदर, और यहाँ पे जो पीछे जो दिख रहा है आपको वो वाला रेड वीडो से हाइसिंग वाले जिनके तेल पड़े होते हैं, तो वो वाला आपको 250 का पेयर आएगा। पीस भी आप लेंगे तो आपको अल्बिनो रेड आइज है 250 का पैर है, ब्लैक कप्पी जो यहाँ पे आपको 150 का पैर है, और थाईलैंड ग्लास का फिश लेंगे तो आपको आ जाएगा 250 पैर में। इसके अलावा यहाँ पे ऑटो सिंकलर से 250 रुपये पैर में आएगा आपको। इसके अलावा यहाँ पे बाजू में जिसकी तो इसके अंदर प्लांट्स भी आ रही है, वो क्या प्राइस? ये अनुवियस की वैरायटी है, अनुवियस पैटिक होती है, उसको लॉन्ग लीव्स में यहाँ आपको 250 और एक शूट आता है जिसमें 4-5 लीव्स होते हैं। यहाँ पे देखो 5-6 शूट्स आपने हैंग करके रखा है यहाँ पे रबल लगा के। इसके अलावा यहाँ पे विंडो लीफ है, ये वाला फन की वैरायटी विंडो लीफ, और ये वाला आपको 250 पर पॉट आएगा। इसके अलावा यहाँ पे पीछे बाजू अनुबियस कॉइन है, वो वाला भी आपको 250 पर पॉट आएगा यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे जेब्रा है, ये जेब्रा आपको बिगर साइज से थोड़ा बड़ा साइज से 300 पर डजन आएगा, 300 फॉर अ डजन। यस, और यहाँ पे और काफ़ी मिक्स वराइटीज ऑफ गप्पी है, ये गप्पीज है इसके अंदर, कोबराज है, रेड टेल गप्पीज है, और ब्लैक गप्पी मिक्स है इसके अंदर सब वराइटी का। ये आपको डजन में लेंगे तो 300 रुपये डजन है, ये 300 रुपये फॉर ए डजन। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ भाई ये शायद से अल्बिनो पिराना एंड रेड स्पॉट शूज है इसके अंदर, और यहाँ पे दूसरा वराइटी देखा अदर सब, तो ये क्या प्राइस में आ रही है? 350 पैर है, अल्बिनो पिराना है, और रेड स्पॉटेड शिवराम 200 ईच है, 400 का पैर है। ओके, तो अरे भाई ये टैंक के अंदर कौन सा है? यहाँ पे ज़ेब्रा का छोटा साइज है, यहाँ पे 250 फॉर डजन में मिक्स में आएगा, ब्लू कलर है उसमें और रेड कलर है, डार्क ग्रीन है, तो आपको ये आ जाएगा 250 फॉर अ डजन छोटे साइज में। और इसके अंदर प्लांट्स भी थोड़े सारे, वो कौन से प्लांट्स? सब अनुबियस की वैरायटी, फन की वैरायटी यहाँ पे 250 रुपये में ये पॉट्स एंड शूट्स आ रहे हैं यहाँ पे, कि आप इसको हैंग ऑन वगैरह कर सकते हो इजीली, और इसको बिना सॉइल का आप इसको लगा सकते हो आपके टैंक में छोटा सा नानो प्लांट बना। तो ये 250 फॉर अ पॉट है एंड शूट्स, और ये यहाँ पे सकर मीन प्लैको में आपको 2 साइज इसके अंदर, जो बड़े वाला साइज 150 पॉट है, और इसके अंदर का दूसरा साइज है आपको लेंगे 80 रुपीज़ का पैर है स्मॉल साइज का, और यहाँ पे अल्बिनो जो है 200 का पैर है। और यहाँ पे गुरामीज भी देख रहे हैं, गुरामीज है वहाँ पे, गुरामीज आपको मिल जाएगी 80 रुपीज़ का पैर में, गोल्डन गुरामीज है ये 80 फॉर अ पैर।
तो आरिफ भाई यहाँ पे एक और साइज की सिल्वर शार्क है, तो क्या साइज है इसकी? ये 5 इंच का साइज का सिल्वर शार्क है, ये आपको आ जाएगा 354 पे है। इसको बाला शार्क भी बोलते हैं और सिल्वर शार्क भी बोलते हैं। तो क्या प्राइस बोला आपने आरिफ भाई इसका? 354 है। 354 तो आरिफ भाई यहाँ पे देख रहे हैं अपने जो बेटा फिशेज है यहाँ पे, ये कौन सी बेटा फिश है? ब्लैक क्राउन है यहाँ पे, तो 200 इंच में आएगा आपको, 200 फॉर अ पीस ब्लैक क्राउन बेटा। और फिर यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे एक, ये कौन सी वाली बेटा है? ये मस्टर्ड की वैरायटी है, मस्टर्ड गैस। ओके, ये दोनों भी मस्टर्ड गैस है ना? अलग अलग टाइप्स होते हैं, थोड़ा सा कलराइजेशन होता है थोड़ा थोड़ा। ये क्या पीस है? ये आपको 200 रुपये का पीस में। और ये कौन सी है आरिफ भाई? ये ब्लैक कलर का, थोड़ा सा इसके अंदर मतलब ग्रे कलर में है, थोड़ा सा ब्लैक एंड थोड़ा सा लाइट ग्रे कलर में, ये था आज का वीडियो। आरिफ भाई ने काफ़ी सारी चीज़ें और काफ़ी वैरायटीज बताई अपने को, प्राइजेस भी बताए, तो थैंक यू आरिफ भाई एक बार वापस बताने के लिए। तो अपने व्यूवर्स के लिए एक मैसेज, थैंक यू वेरी मच, और आप लोग को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, जो दिवाली आने वाली है इसके लिए आपको अभी से शुभकामनाएं देता हूँ। आपका दिन अच्छा रहे, और वैरायटी चेंज होती रहती है, थोड़ा सा प्राइस अप डाउन होते रहते हैं, तो वीडियो देखते रहिए एंड तक बने रहिए वीडियो के। ओके आरिफ भाई, तो काफ़ी स्टॉक आरिफ भाई ने दिवाली के लिए लाया हुआ है, तो आपने देखा कि कौन सी वैरायटीज है, जो भी चीज़ आप आके यहाँ पे आरिफ परी एक्वेरियम में आरिफ भाई से मिलके ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, कॉमेंट करो क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा। फिर आपको लाइक करना है लाइक करो, डिसलाइक करना है डिसलाइक भी कर सकते हैं, कमेंट करके बताए क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा, और शेयर कर दो, और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दो। टिल देन कीप वॉचिंग ऑफिस, टेक केयर, बाय।